हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक धासु फोटो एडिटिंग बनाना सिखाएंगे। अभी इस फोटो को अभी हम ले जाते हैं स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो अभी हम इस फोटो को लेके आ गए हैं स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के। उसके बाद अभी हम क्लिक करेंगे जो यहाँ पर साइड पे पेन वाला जो ऑप्शन दिख रहे हो आप लोगों को, पेन वाला जो ऑप्शन, इस पर अभी हम क्लिक करेंगे। पेन वाला ऑप्शन पर अभी हम क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद टर्न इमेज पर जाएंगे। टर्न इमेज पर जाने के बाद इसका जो सेचुरेशन है उसको हम कम से कम 80 के करीब रख लेंगे। 80 के करीब अभी हम इसका सेचुरेशन को मतलब कर लेते हैं एडजस्ट। अभी इसको हम रख लिए हैं 80 के करीब रख लिए। उसके बाद यहाँ से कर देंगे बैक। उसके बाद बैक करने के बाद आप लोग को जो ऊपर पे साइड पे जो दिख रहा है तीर का निशान, इस पर अभी एक बार टैप करना है। उसके बाद इस पर टैप कर लिए हो, उसके बाद व्यू एडिट पे जाना है आप लोगों को। तभी हम आ गए हैं व्यू एडिट पे, एक बार क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो मतलब कि पेन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जो फेस पे है ना उसको मतलब सेचुरेशन का ऑप्शन है उसको हम हटा लेते हैं फेस पे। उसके बाद जो पैर पे है मतलब कि शरीर में से हटा लेते हैं। उसके बाद कपड़ों में और बैकग्राउंड में रहेगा चलेगा। उसके बाद शरीर में से भी हम हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, देखते रहो कैसे हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं। उसके बाद हटाने के बाद अभी आप लोग को सिखाते हैं मेन काम। अभी इसको हम कर लेते हैं बैक। उसका अभी हम फिर से पेन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पेन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन है इस पे जाएंगे। और पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद इसका जो मतलब कि कॉम्बो वन है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो मतलब कि फेस स्पॉटलाइट है इसको हम मतलब 27 के करीब रख लेंगे। उसके बाद इसको 37 के करीब रख लेंगे। उसके बाद इसको भी मतलब कि 50 के करीब रख लेंगे, 50 के करीब, हाँ इसको 50 के करीब रख लेंगे। उसके बाद अभी हम फिर से पेन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी हम जाएंगे यहाँ पर HDR स्किप पे, और HDR स्किप पे जाने के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला सेलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग वाला सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेंगे मतलब कि फिल्टर स्टन को मतलब कि रख लेंगे 40 के करीब रख लेंगे। उसके बाद ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, माइनस के तरफ ले जाएंगे। उसके बाद इसको भी रख लेंगे 16 के करीब। उसके बाद इसको भी रख लेंगे हम मतलब कि हाँ इसको भी 80 के करीब, हाँ रख लेंगे सेचुरेशन को भी 80 के करीब रख लेंगे। उसके बाद अभी फिर से यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद फिर से मतलब कि जो कपड़ों पे और मतलब कि नहीं फेस में से जितना भी है हटा लेंगे, मतलब कि जो उसका जो HDR स्किप का जितना भी मतलब कि फेस में आया है उसको हम हटा लेंगे, बैकग्राउंड पे रहने देंगे। तो अभी हम इसको अभी हटा लेते हैं फेस में से, देखते रहो आप वीडियो को। तो फेस में से हम हटा लेते हैं, इसको कर लेंगे पूरा माइनस कर लेंगे जो है ना, इसको पूरा HDR स्किप का पूरा माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद इसको हम हटा लेते हैं अभी फेस में से, और कपड़ों में से रहने देंगे, वो खाली शरीर में से हटा लेंगे फेस में से। उसके बाद पैर में से हाथ में से हटा लेंगे वो। उसके बाद अभी हटा लिए हैं। उसके बाद इसको अभी कर देंगे यहाँ पर साइन वाला ऑप्शन का टिक कर देंगे। उसके बाद फिर से बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद अभी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम आ गए हैं बैक दोस्तों। अभी हम फिर से पेन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और पेन वाला ऑप्शन का क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर है डिटेल्स का ऑप्शन, इस डिटेल का ऑप्शन पे एक बार कर लेंगे क्लिक। उसके बाद एक बार क्लिक करने के बाद इसका जो मतलब कि सेचुरेशन है, इस स्ट्रक्चर है उसको भी हम कर लेंगे मतलब कि प्लस करके 30 के करीब रख लेंगे। उसके बाद इसका जो शार्पनिंग है इसको भी मतलब कि 50 के करीब रख लेंगे, और 50 के करीब रखने के बाद इसको कर देंगे अभी बैक। और बैक करने के बाद अभी हमको जाना है इस फोटो को लेके डायरेक्ट Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन पे। तभी हम क्या करेंगे Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन पे ले फोटो के लेके आ गए हैं Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपको एक पीसेट का ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला पीसेट का मतलब कि लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर आप कहीं भी गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम कर लेंगे अभी कॉपी पीसेट, ये कॉपी सेटिंग। कॉपी सेटिंग करने के बाद अभी हम इस फोटो को मतलब कि ओरिजिनल फ़ोटो पे अभी आ गए हैं। उसके बाद कर देंगे अभी पेस्ट सेटिंग, और पेस्ट सेटिंग करने के बाद देख सकते हो आप, आपके सामने ये फ़ोटो एकदम धासु तरीके से बन के आ गया है। और ऐसे ही आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, जो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं, आसान है। आप लोग मतलब कि